हेलो एवरी वन दिस इज सी ए सूरज झुंझुनुवाला कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और मैं बता दूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों हम नया एक सीरीज लेकर आने वाले हैं ऑडिट के ऊपर सो so, आप लोग को पता होगा मैं ऑडिट फील्ड से बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव ऑलमोस्ट सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग ऑडिट स्टार्टुटरी ऑडिट फ्रॉम पिक फोर नाउ वन एरिया विच वी जनरली एज अ फ्रेशर और एज अ आर्टिकल वी जनरली स्ट्रगल इज कि ऑडिट करना कैसे है हमें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए क्लाइंट से क्या डेटा लेना चाहिए और एंड कोई सपोर्ट्स को कैसे देखना है सो वट आई ओवर आ ट्राई टू डू इज हम एक एक कैप्सन को लेके चलेंगे एक एक आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके उठाएंगे एंड विल ट्राई टू गो डीप डाइव इन टू दैट पर्टिकुलर आइटम ऑल सो आज का टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट property plant and equipment so if you have already passed your ca inter and if you are into articleship chahe aap ek ca fresher ho chahe aap you know ca in general you know property plant and equipment company ka fixed assets hota hai jo ek regular use mein company leta hai fixed assets now let's go ahead aapko screen par dikh raha hoga ek financial statement ek financial statement hai is sml isuzu का. that's balance it over here and 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 balance it as 31st march 2022. now in this financial statement you can see there is one caption property, plant and equipment and that's a value वैल्यूर ट्वेंटी थ्री अब ऐसे ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्लाइंट दे देता है एंड आपको बोलते हैं कि इसका ऑडिट करो क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है और आपको क्या बोला जाता है इसका ऑडिट करो now आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे आप एक आर्टिकल हो और आप कि आपके सीनियर ने बोल दिया या आपके पार्टनर ने बोल दिया कि मुझे ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे टेस्टिंग करके बताओ टेस्टिंग करके मुझे अपना पेपर दो अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें सो दिस वीडियो बना भी वेरी वेरी यूजफुल तो ट्राई टू स्टिक टिल द एंड सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्वेंटी नाइन थ्री फोर्टी थ्री लैक्स का वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं एज अर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू नाउ मैंने क्या करा है मैंने एक टेस्टिंग वॉकपेपर का एक टेम्पलेट प्रिपेयर करा है एक जनरल सा टेम्पलेट प्रिपेयर करा है विच आईगोन ए प्रेजेंट सो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन ये एक एक्सल सीट है इफ यू कैन सी एंड इसमें कुछ टैप्स मैंने इंक्लूड करे हुए हैं इन दिस टैब द फर्स्ट टैब इज पीबीसी पीबीसी मतलब होता है प्रोवाइडेड बाई क्लाइंट तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जैसे हमने यहां पर देखा कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टेस्टिंग करना है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टेस्टिंग करने के लिए कुछ डेटा क्लाइंट से हमें मांगना पड़ेगा राइट right? क्लाइंट से कुछ डेटा मांगना पड़ेगा तो वो डेटा क्या होगा तो नॉर्मली दीज आर दोर टाइप्स ऑफ डेटा विच वी नॉर्मली आस्क विद द क्लाइंट फॉर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट तो सबसे पहला होता है फिक्स असेट्स रजिस्टर्ड सोइंग द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स तो एक क्या होता है कंपनी को रिक्वायर्ड है कि वो जितने भी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है उसका एक डिटेल्ड लिस्टिंग मेंटेन करेगा डिटेल्ड लिस्टिंग मेंटेन करेगा और उस लिस्टिंग में सारे डिटेल्स वो रखेगा जैसे कि हर एक असेट का असेट नंबर होगा डिस्क्रिप्शन होगा कैपिटलाइजेशन डेट होगा अमाउंट होगा डेप्रिशिएशन कितना रिकॉर्ड करा ओपनिंग ब्लॉक कितना था अडिशंस कितना हुआ है डिलीशंस कितना हुआ है सो so, हर एक उसमें डिटेल मेंटेन करके रखेगा एंड right? वो जो डिटेल होगा इच इंडिविजुअल एसेट्स का अगर आप उस सारे एसेट्स का टोटल करोगे दैट वुड अग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जो आप यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें का नंबर देख रहे हो ट्वेंटी नाइन थ्री फोर्टी थ्री इसी का आप बेसिकली ब्रेकअप मांग रहे हो इसी का ब्रेकअप मांग रहे हो इन टर्म्स ऑफ फिक्स असेट्स रजिस्टर इसका मेरे पास एक सैम्पल है वो भी मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा बट अभी के लिए आप ये समझो कि आपको क्लाइंट से क्या लेना है फिक्स असेट्स रजिस्टर दूसरा अपने क्लाइंट से क्या मांगना है अडीशंस एंड डिलीशंस लिस्टिंग एडिशंस एंड डिलीशंस लिस्टिंग्स बेसिकली आपको क्या पूछना है क्लाइंट से कि आपने जितने भी एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज करे हैं उसका मुझे एक लिस्ट दे दो उसका आप मुझे एक लिस्ट दे दो और जितने भी असेट्स डिलीट करें अब डिलीट किन कारणों से हो सकता है या तो कंपनी ने सेल कर दिया होगा या तो रिटायर कर दिया होगा या फिर कोई ट्रांसफर वगैरह कर दिया होगा ठीक है तो डिलीट वेरियस रीजन से हो सकते हैं सेल रिटायरमेंट मान लो चोरी हो गया दैट इज ऑल्सो डिलीशंस तो आप एक डिलीशन का लिस्टिंग मांगोगे एंड देन अडिशंस का लिस्टिंग मांगोगे नाउ एक, एक और होता है आप मांगते हो मूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स अगर आपका वो मूवमेंट फिक्स एसेट्स रजिस्टर्ड में आ रहा है तो आप नहीं मांगोगे अलग से अगर नहीं आ रहा तो आपको एक मूवमेंट भी मांगना पड़ेगा मूवमेंट बेसिकली क्या होता है आप क्लास वाइज फिक्स एसेट्स का ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक इन टोटल इन टोटल ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक फिर एडिशंस कितना हुआ कितना डिलीशंस हुआ एंड क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक कितना है वैसे एक्यूमिलटेडियंस का भी मूवमेंट ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर कोई डिलीट हुआ है तो उसका अमाउंट एंड देन क्लोजिंग देख क्लोजिंग्यूमिलेटेडिएशन एंड अल्टीमेटली नेट बुक वैल्यू सो ये आप एक मूवमेंट मांगोगे क्लाइंट से अगर आपके एफ ए आर में फिक्स रजिस्टर में वो डिटेल ऑलरेडी आ रहा है तो आपको अलग से मांगने की जरूरत नहीं है एंड देन फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको ये कारों में भी रिक्वायरमेंट है फिजिकल वेरिफिकेशन का एंड अब बेसिकली फ़िजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होता है पीरियडिकल बेसिस पे से किसी कंपनी का हो सकता है ईयरली हो सकता है किसी का तीन साल में एक बार हो सकता है किसी का दो साल में एक बार हो सकता है तो पीरियडिकल बेसिस पे कंपनी को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स करवाना पड़ता है एंड उससे एक्चुअली में पता चलता है कि जो फिक्स एसेट रजिस्टर में जो असेट आ रहा है एंड जो फिजिकली प्रेजेंट है वो अलाइन होता है कि नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है ठीक है मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और मैंने अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में भी इस लैपटॉप का वैल्यू दिखाया हुआ है मान लो मैं दो महीने के लिए कहीं बाहर किसी दूसरे ऑफिस में जाकर ट्रैवल कर रहा हूँ और पीछे से मुझे पता चला कि ये लैपटॉप चोरी हो चुका है पीछे से ये लैपटॉप चोरी हो गया नाउ जब तक ये असेट को मैं फिजिकली वेरीफाई ना करूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि ये असेट एक्चुअली में चोरी हुआ है मेरे बुक्स में तो अभी भी आ रहा होगा बट जब तक मैं फिजिकली वेरीफाई ना करूँ तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं चले कि ये असेट चोरी हो गया है नाउ आइडियली जो असेट चोरी हो गया है चाहे जो असेट टूट चुका है वो बुक्स में नहीं आना चाहिए मान लो ये अस लैपटॉप का भगवान ना करे बट ये लैपटॉप का मान लो यहाँ से कुछ टूट गया चाहे स्क्रीन टूट गया डिस्प्ले टूट गया नाउ डिस्प्ले टूट गया तो मान लो ये असेट का वैल्यू अभी डेढ़ लाख रुपये बुक्स में आ रहा है तो क्या ये स्क्रीन टूटने के बाद भी डेढ़ लाख का वैल्यू आना चाहिए आंसर इज नो हो सकता है इसका वैल्यू बस एक लाख रुपए बच गया हो तो इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंसिवेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है बट उसका कंडीशन क्या है तो दैट्स वाई यू आस्क फॉर अ फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट नाउ आप उसके बाद सैंपल टेस्टिंग वगैरह करोगे तो उसका भी सपोर्ट्स मांगोगे एंड दिस पॉइंट अगेन वी विल कवर इन मोर डिटेल सो बेसिकली आप पहले तो इन तीन डिटेल को मांगते हो एंड सेकेंड वाली डिटेल में से आप कुछ सैंपलिंग करते हो जिसका फिर आप सपोर्ट फोर्थ पॉइंट में आपका कवर हो रहा है ऑल राइट नाउ नेक्स्ट स्टैप इज फिक्स एसेट रजिस्टर सो एज प्रोमिस्ड मैंने क्या बोला था मैंने एक फिक्स एसेट रजिस्टर का टेम्पलेट क्रिएट करा हुआ है एंड दिज ऑल आर हाइपोथेटिकल डेटा तो आई एम नॉट शेयरिंग एनी ऑफ द क्लाइंट डेटा और एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा दिज ऑल आर टोटली प्रिपेयर्ड बाई मी एंड दिज ऑल आर क्वाइट हाइपोथेटिकल सो so, आप यहाँ पे देख रहे हो कि असेट का एक नंबर आ रहा है सो so, हर एक असेट को एक यूनिक नंबर देना जरूरी है ताकि पहचान हो सके आपके फैमिली में भी आप हर एक मेंबर का क्या होता है कि यूनिक नेम होता है तो वैसे एक अब हो सकता है कि कंपनी के पास पचासों लैपटॉप हो पचासों डिफरेंट मॉडल के हों अब सिर्फ लैपटॉप से अगर बुलाएंगे तो कौन से लैपटॉप को बुला रहे हैं नहीं पता चलेगा so that's why every asset has a, has to get a unique identity number उसको बोलते हैं asset ID ठीक है एक asset ID दे दिया यहाँ पे and then useful life होगा हर एक asset का मतलब किसी का तीन साल होगा किसी का छः साल होगा किसी का चार साल हो सकता है किसी का पाँच साल हो सकता है एंड ये यूजफुल लाइफ डिटरमाइन कैसे होता है आप नॉर्मली एक टेक्निकल असेसमेंट करवाते हो असेट का कंपनीज एक्ट में भी एक यूजफुल लाइफ दिया हुआ है या तो आप कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हो यूजफुल लाइफ देखने के लिए अगर आप कंपनीज एक्ट को नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको टेक्निकल असेसमेंट करवाना पड़ता है तो जैसे कि लैपटॉप के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए तीन साल दिया हुआ है तो आप तीन साल फॉलो करोगे तो आप बेसिकली यूजफुल लाइफ क्यों काम आता है आप उस पीरियड पे असेट को डेप्रिसिएट करोगे right? तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ लिखा हुआ है एंड देन कैपिटलाइज्ड ऑन अब यूजफुल लाइफ का जहां पे बात हुआ एक रिक्वायरमेंट भी होता है कि हर एक कंपनी को अपना यूजफुल लाइफ डिस्क्लोज करना पड़ता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में सो इफ यू गो डाउन इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गो डाउन टू यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो यूजफुल लाइफ दिया हुआ है राइट यूजफुल लाइफ दिया हुआ है नाउ एवरी एवरी असेट हुज यूजफुल लाइफ इज मैंशन ओवर योर स्टेटमेंट ठीक है देन यहां पर कैपिटलाइजेशन डिटेल आ रहा है कि किस डेट पे कैपिटलाइज हुआ है ये पर्टिकुलर असेट असेट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है एंड देन करेंसी किस करेंसी में ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक कितना ड्यूरिंग दर एडिशन हुआ इसी असेट में कितना डिलीशंस हो गया क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक वैसे डेप्रीशियशन फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट में कितना था बेसिकी यू नो कि अगर ये कॉलम देखोगे तो ओपनिंग एक्यूमलेटेड डिप्रीशिएशन डिप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ अब जो असेट डिलीट हो गया उससे रिलेटेड एक्यूमलेटेड डिप्रीशिएशन कितना डिलीट हुआ एंड देन क्लोजिंग एक्यूमलेटेड डिप्रीशिएशन ये हो गया आपका ओपनिंग नेट ब्लॉक सो इफ यू सी ओपनिंग नेट ब्लॉक एंड देन क्लोजिंग नेट ब्लॉक एंड देन असेट क्लास नेम कौन से क्लास से बिलोंग करता है मान लो आपका कुछ आपने यहाँ पे क्या कह रहा है आपको पहला असर देखो पेंटिंग करा है वॉल पेंटिंग करा है तो क्या ये लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है देन आफ्टर आपने कुछ हार्ड डिस्क परचेज करा है हार्ड डिस्क परचेज है तो क्या हो गया ये प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया वैसे आपने कुछ चेयर्स टेबल्स वगैरह परचेज करा, करा तो फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स हो गया तो अब ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है एक तो आपको क्लास वाइज डिस्क्लोजर देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगेन दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस सिक्सटीन इंडस सिक्सटीन का भी रिक्वायरमेंट है एंड देन आपको क्लास वाइज ही पता चलता है कि यूजफुल लाइफ क्या लेना है यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्चर्स व्हीकल, ये आपको क्लास वाइज यहाँ पे दिया हुआ है सो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन की कौन से क्लास से एक पर्टिकुलर एसेट बिलोंग करता है ऑल right. तो ये एक एफ आ गया है हमें एफ मिल गया अगर आप इसी एफ में ध्यान से देखोगे तो एडिशंस का भी आपको लिस्टिंग मिल गया डिलीशंस का भी लिस्टिंग मिल गया एक ही डिलीशन हुआ है और कुछ एडिशंस हुए हैं एडिशंस 3.7 मिलियन का हुआ है एंड दो मिलियन का डिलीशन हुआ है तो आपको क्लाइंट से ये अलग से लिस्ट मांगने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब आप सेकेंड वाला बिल लिस्ट अगर आपको ऐसे एफ आई आर में इस लेवल पर डिटेल मिल रहा है तो क्लाइंट से अलग से मांगने की जरूरत नहीं है बट अगर नहीं आ रहा है एफ में ऐसे अलग से तो आपको मांगनी पड़ेगी All right, now अब क्या करना है हमें अब ये तो दो चीज हो गया जो क्लाइंट का डेटा था ठीक है नाउ अब आपका एक्चुअल पेपर आता है आप पेपर कैसे बनाओगे सो पेपर बनाने से पहले सबसे पहले ये हमें समझने की जरूरत हम टेस्टिंग क्या कर रहे हैं हम टेस्टिंग कौन सा अकाउंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अब इसमें आपने एक चीज़ समझा होगा एक चीज़ पढ़ा होगा असरसन्स असरसन्स क्या होता है जो दावा मैनेजमेंट करता है मैनेजमेंट दावा करता है बेसिकली कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये एक्यूरेट वैल्यू पे रिकॉर्डेड है ये एक्चुअली में एक्यूरेटली जो रीजनेबली है वैसे ये वैल्यूड है और जितना भी मैं एफ में असट्स दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली में एक्जिस्ट करता है एंड इसके ऊपर हमारा राइट right भी है एंड जितने भी असेट जितने भी असेट रिकॉर्ड होने चाहिए थे सारे रिकॉर्डेड है मतलब कंप्लीटली रिकॉर्डेड है सो हियर यू सी असरसेंस एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन कंप्लीटनेस मतलब सारे असेट्स रिकॉर्डेड है एंड जो भी असेट्स हम बता रहे हैं जो भी एफ में आ रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं ऐसा नहीं कि एफ में आ रहे हैं एंड बाकी वैसे तो चोरी हो चुका है ऐसा नहीं होना चाहिए एंड देन जो भी असेट्स आ रहे हैं उस पर हमारा राइट है हमारा राइट है उस पर हमारा हक है ठीक है अब ये तो मैनेजमेंट ने असरसन बोला अब इस हर एक असरसन के अगेंस्ट आपको क्या करना है ऑडिट करना है कि क्या ये असरसन जो मैनेजमेंट दावा कर रहा है ये दावा सही में ट्रू है या नहीं है सो यू नीड टू ऑडिट दीज सो जब भी आप सब्सटान टेस्टिंग करते हो तो आप क्या करते हो आप असरसंस का ऑडिट करते ऑडिट करते हो नाउ अगेंस्ट ईच असोरस आई सम प्रोसीजर्स विच कैन बी परफॉर्मड सो इससे पहले जाने से पहले ये मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूं इसमें आप कंपनी नाम का नाम लिखोगे लेट से कंपनी का नेम है एस एम एल इशूज ठीक है एस एम एल इशूज आपने यहाँ पे लिखा पीरियड इन मान लो आप थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू का ऑडिट कर रहे हो थर्टी फर्स्ट मार्च मान लेते ट्वेंटी थ्री का ऑडिट कर रहे हो राइट एंड देन अकाउंट बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है नाउ अमाउंट टेस्टेड आप कौन सा अमाउंट को टेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर रहे हो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू ये आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा राइट right? ये आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा ये वैल्यू सो so, ये वैल्यू हम वहाँ पे जाकर डाल देंगे नाउ पहले तो आपको ये भी अग्री करना है कि ये जो अमाउंट यहाँ पे एफ में आ रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है सो so, वो चीज आई होप आप लोग कर लोगे so, इसे हम टेस्ट कर रहे हैं नाउ ये हमने फिल कर लिया ये वर्क पेपर में ये सारे डिटेल्स हमने फिल कर लिए फर्दर अब हम जाते हैं अगर हम पहला वर्क परफॉर्म क्या बोल रहे हैं एक्यूरेसी पे परफॉर्म रोल फॉवर्ड शेड्यूल रेकन्शन ऑफ पीपी अकाउंट बैलेंस तो आपको एक रोल फॉर्ड बनाना है मतलब एक मूवमेंट बनाना है ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग का ओपनिंग क्रॉस ब्लॉक एडिशन डिलीशन क्लोजिंग क्रॉस ब्लॉक एंड सिमिलर वे में एक्यूमलेटेड डेप्रीशिये का ओपनिंग एक्डेप डेप्रीशियेशन एक डिलीट हो चुका है एंड क्लोजिंग एक्डेप एंड अल्टीमेटली नेट ब्लॉक एंड जो नेट ब्लॉक आएगा दैट शुड अग्री टू द ट्रायल बैलेंस और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और राइट तो पहला तो ये रोल फॉवर्ड बनाने बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है कि आप जो भी अडिशंस दिखा रहे हो बेसिकली मूवमेंट्स जो दिखा रहे हो उसको टेस्ट करो एंड देन एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बोल रहा है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बेसिकली क्या हो गया जो असेट आप दिखा रहे हो बुक्स में क्या हो? वो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है मान लो मैंने ये एक फोन लिया मैंने एक फोन लिया वो थ्री जी फोन था वो थ्री जी फोन था तो जब मैंने लिया वो काफ़ी महंगा फ़ोन आया क्योंकि उस टाइम पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था और मैंने वो दो लाख रुपए का फ़ोन लिया मान लो वो छः महीने के बाद छः महीने के बाद सरकार ने बोला कि थ्री वाले सारे फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे अब जितने भी फ़ोन चलेंगे वो फाइव वाले चलेंगे फोर वाले चलेंगे अब हो सकता है उस डे पे वो दो लाख रुपए का फ़ोन डेप्रीसीन काट करके एक लाख पचहत्तर हज़ार का बुक्स में आ रहा था बट क्योंकि सरकार ने वो फ़ोन को बंद ही कर दिया अब मैं वो यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ तो क्या वो एक लाख पचहत्तर हजार रुपये ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है उस फोन का द आंसर इज नो तो इन दैट केस वी नीड टू एम्पेयर दैट फोन और हमें उसको वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड इन द इन द करेंट एग्जाम्पल हमें किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा मान लो वो फोन स्क्रैप में बीस हज़ार रुपये में बीस हजार रुपये में बिकेगा तो हमें उसका एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये का वैल्यू को बीस हज़ार रुपये में लेकर आना पड़ेगा तो इसे बोलते हैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं एंड um, इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग बेसिकली इंडियस थर्टी सिक्स डील करता है सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इन दिस डिस्कशन बट आपको एक हेडसअप मिल गया कि एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन में आपको ये भी देखना पड़ता है एंड देन सेकेंड इज कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस आपका एक जो रोल फॉरवर्ड बनाते उससे भी आपका परफॉर्म हो जाता है कंप्लीटनेस कि आपका सारा एडिशंस आपका सारा डिलीशंस रिकॉर्ड हो गया तभी आपका जो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अग्री हो रहा होगा दूसरा कंप्लीटनेस के लिए आपको एक चीज़ क्या चेक करना पड़ता है एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स सो कंप्लीटनेस में आप क्या बोलने का क्या कोशिश कर रहे हो ये समझने का कोशिश करो आप बोल रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर एसेट है जो कंपनी ने परचेज करा कोई कंपनी ने एक एसेट परचेज करा एंड वो एक्चुअली में एफ में नहीं आ रहा है वो एक्चुअली में आपका पी, पी के बैलेंस में नहीं आ रहा है मान लो कंपनी के ने एक पचास हज़ार का लैपटॉप परचेज करा अब उससे हुआ क्या मिस्टेक उसे ये मिस्टेक हुआ कि उसे कैपिटलाइज करने के बदले उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया सो so, उसने लैपटॉप परचेज करा पचास हज़ार रुपये का उसने एंट्री क्या डाल दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट पचास हज़ार टू बैंक पचास अब इससे हुआ क्या वो आपके खर्चे में डल गया अब आपको पता नहीं चला आपने पीपी का टेस्टिंग करा आपका सब कुछ बैलेंस मैच हो गया रोल फॉरवर्ड भी मैच हो गया एडिशंस भी सब कुछ मैच हो गया क्योंकि वो असेट तो कभी आया ही नहीं ऑपरेटिंग एक्सपीपी में नाउ अब इसके लिए कंप्लीटनेस पता कैसे चलेगा तो आप जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जब टेस्टिंग करोगे तो वहाँ पे जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा कोई ऐसा असेट था जो कैपिटलाइज होना चाहिए था वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बंद होने डाल दिया है एंड फिर आप उसको क्या करोगे उस पर आप क्वेश्चन रेज करोगे उसे आप एज एन एक्सेप्शन मार्क करोगे तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटनेस यू विल परफॉर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टेस्टिंग एंड दूसरा दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग क्या होता है मान लो आपने एक असेट परचेज करा है असेट परचेज करा और उसने उसका आपने एंट्री ही नहीं डाला ना ओपेक्स में डाला ना कैपेक्स में डाला अगर ओपेक्स में डाल देते तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टेस्टिंग से पता चल जाता बट आपने एंट्री डाला ही नहीं कहीं पे भी अब इससे क्या होगा इससे तो आपको पता नहीं चलेगा बट 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 आपका ईयर एंड के बाद अपने पंद्रह दिनों के अंदर में उसका पेमेंट करा क्योंकि वेंडर तो छोड़ेगा नहीं ना वेंडर तो इन्वॉइस रेज करेगा वेंडर तो पैसा मांगेगा और जब आपने पैसा दिया उस टाइम पे जाकर एंट्री रिकॉर्ड करा मतलब आपका थर्टी फर्स्ट मार्च जा चुका है आपको असेट पहले ही आ चुका था आपने कैपिटलाइज भी कर लिया आपने यूज भी कर लिया असेट को मतलब कैपिटलाइज करने का मतलब आपने बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करा बट आप एक्चुअली में यूज कर, करना स्टार्ट कर चुके हो बट आपका ऑफ अप्रैल को आपको वेंडर ने इन्वॉइस जब दिया तो आपने पेमेंट करा और उस टाइम पे आपने रिकॉर्ड कर दिया लैपटॉप टू बैंक लैपटॉप टू बैंक आपने डाल दिया पचास हजार रुपए बट आइडियली जो एंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए था वो पहले वाले पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था जो थर्टी फर्स्ट मार्च गया है उसी में रिकॉर्ड होना चाहिए था तो जो थर्टी फर्स्ट मार्च का जो पीपीई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कंप्लीट नहीं है तो इसलिए आप क्या करते हो सब्सिक्वेंट पेमेंट टेस्टिंग करते हो आप एक कुछ पीरियड लेते हो तीस दिन पैंतालीस दिन वो बेसिकली कंपनी का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है उतना पीरियड का पेमेंट चेक करते हो कि ओके पैंतालीस दिनों में तीस दिनों में जितना भी पेमेंट हुआ है उसमें से हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे और उसमें से आप ये चेक करोगे कि क्या कोई ऐसा पेमेंट हुआ है जो हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च वाले पीरियड से बिलोंग करता है अगर कोई ऐसा पेमेंट मिलता है जो थर्टी फर्स्ट मार्च वाले पीरियड से बिलोंग करता है तो आप ये चेक करते हो कि क्या उससे रिलेटेड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड था या नहीं था उससे रिलेटेड एसेट रिकॉर्डेड था या नहीं था तो अब इन द गिवन केस कोई पेमेंट अगर फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल को हुआ है और उसको आपने चेक करा आपको पता चला कि ओके ये पेमेंट हुआ है बट ये असर्ट तो पहले ही पहले कैपिटलाइज हो गया था मतलब पहले यूज में आ गया था पहले डिलीवर हो चुका था बट आपने देखा कि ना उससे रिलेटेड असेट रिकॉर्ड हुआ है ना उससे रिलेटेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ है तो आपको वो एक्सेप्शन पता चल जाएगा सो दिस इज अबाउट कंप्लीटनेस एंड देन आफ्टर एग्जिटेंस के लिए क्या करते हो आप फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड इसमें आप पिक्चर्स भी देख सकते हो आप अपने सैम्पल्स का देख लो कि ओके okay, uh, या आप वीडियो कॉल के थ्रू भी देख सकते हो चाहे पिक्चर्स मंगवा लो असट का तो वो भी कर सकते हो एंड राइट्स एंड ऑब्लीगेशन के लिए बेसिकली अगर लैंड है फॉर एग्जाम्पल तो उसका टाइटल डीड आपके नाम पर होगा इन्वाइस आपके नाम पर होता है पी ओ आपके नाम पर होता है सो दीज आर द थिंग्स विच यू चेक फॉर राइट्स एंड ऑब्लीगेशन सो हर एक असरसन के अगेंस्ट मैंने क्या बोल दिया क्या आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रोल फॉरवर्ड बनाना रोल फॉरवर्ड आप कैसे बनाओगे अब मैं ये एफ ए आर है ठीक है ये एफ ए आर को ही हम यूज करेंगे तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो एफ ए आर पे एक पिवट लगा लो पिवट लगाने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट एन बी ठीक है ऑल्ट एन बी से आप पिवट लगा सकते हो अब पिवट में आपको क्या करना है आपको क्लास वाइज चाहिए तो असेड क्लास नेम को आप क्या करोगे रोज में लेके जाओगे ठीक है असेट क्लास नेम को आप क्या करोगे रोज में लेके जाओगे फिर तो आपको क्या करना है आपको चाहिए ओपनिंग ब्लॉक अडिशंस चाहिए उसके बाद आपको वन सेकेंड ओपनिंग ठीक है डिलीशंस क्लोजिंग डिप्रीशिएशन एट द स्टार्ट सो आप ऐसे करके आप ड्रैग डाउन कर सकते हो जो जो भी आपको फील्ड चाहिए डिप्रिशिएशन एट द स्टार्ट डिप्रीशिएशन फॉर द ईयर डिप्रीशिएशन कितना डिलीट हो चुका है एंड देन आपका क्लोजिंग एक्टिव कितना आ रहा है ठीक है ये वैल्यूज आपका आ गया अब इससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा इधर से आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा सो so, आप एक तो पहले क्लास कॉपी कर लो ये सारे क्लासेज आपका यहाँ पे रोल फोर्ड में ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे दिया है तो ये फॉर्मेट में आप क्या करोगे अकाउंट डिस्क्रिप्शन में क्या कर दो वो क्लास का नाम पेस्ट कर दो so, एंड रोल फॉरवर्ड में कंट्रोल वी सो ये आपका डिफरेंट क्लासेस हो गया उसके बाद आपका वैल्यू ऑफ ओपनिंग ब्लॉक तो आप रोल फॉरवर्ड में जाओगे ये टोटल वैल्यू हो गया पेवर्ट लगाने से आई होप आपको बेसिक्स ऑफ पेवर्ट पता है उसके बाद आपको एडिशंस चाहिए तो आप वापस जाओ एडिशंस का वैल्यू लो डिलीशंस का वैल्यू लो ठीक है मैं वापस रोल फॉरवर्ड में ठीक है मैं यहां पे थोड़ा तो सा इसको रोको अब ये क्या हुआ देखो ये आपका सम हो गया तो मैं सम यहां से इज इक्वल्स टू सम वैसे ही आपको क्या करना है आपको एक्यूमिलेटेड डेप्रिशिएशन का भी मोवमेंट चाहिए तो ये तीन चीजें आप यहाँ पे रोल फॉरवर्ड में पेस्ट सो so, मैंने यहाँ से कॉपी करें एंड रोल फॉरवर्ड में जाकर पेस्ट कर दिए सो so, ये मेरा क्या आ गया डिप्रीशिएशन का मूवमेंट आ गया यहाँ पे अगर मैं सी वन में जाऊँ पिवट में तो डिप्रीशिएशन रिटायरमेंट वाला कॉलम गलत कॉपी पेस्ट हो गया है तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सही कर देता हूँ कोई बात नहीं

फाइव एट सिक्स थ्री का मेरा ओपनिंग आ रहा है रोल फॉरवर्ड में अगर हम जाएंगे तो फाइव एट सिक्स थ्री का ओपनिंग एंड फोर एट नाइन फोर का फोर एट नाइन फोर का मेरा क्लोजिंग आ रहा है रोल फॉर्वर्ड में ना ये आपका लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस में भी क्लास वाइज कुछ वैल्यूज आ रहा होगा ये आप यहाँ पर डालोगे और यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल जाएगा सो so ये आपका रोल फॉरवर्ड हो गया सो so आपने ओपनिंग डाला एडिशंस का वैल्यू डाला ये सारे आपका कहाँ से आ गए एफ से आ गया सारे एफ से आ गए और ये आपका रोल फॉरवर्ड बन गया राइट right? ये रोल फॉरवर्ड बन गया अब इसमें आपने वर्क डन क्या करा अब ये जो रोल फॉरवर्ड बन रहा है आपका ये कहाँ से मैच होना चाहिए फर्स्ट थिंग ये आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर एफ से मैच होना चाहिए ये वाला और ये वाला आप अग्री करोगे प्रीवियस ईयर फाइनेंस स्टेटमेंट से इसके ऊपर आप क्या करते हो इसके ऊपर आप सैंपलिंग करोगे तो ये आपका टेस्ट हो गया ठीक है डेशन का आप अलग से टेस्टिंग करते हो राइट डेप्रीशियन का आप अलग से रिकल्कुलेशन करोगे डेप्रिशिएशन रिकेलकुलेशन इन दिस एंडकाइव फिगर है ओपनिंग आपने प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल से चेक करा यह डिडक्शन डिस्पोजल्स ऑफ एक्मलेटेडियन आपका डिलीशन के टेस्टिंग के साथ कवर हो जाएगा एंड अगेन दिस इज ए डेराइव फिगर सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली एंड ऑफ टेस्टिंग ईच एंड एवरी फिगर्स सो आपने क्या बोला ऑप्टेन पीपी रोल फोर शेड्यूल आपने ऑप्टेन करा रिकनसाइल करा ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस को जनरल लेजर से रिकनसाइल करा एंड फिर करेंट ईयर जो एक्टिविटी है सो आइडेंटिफाई द करेंट ईयर पीपी एक्टिविटी क्या है करेंट ईयर पीपी एक्टिविटी राइट एंड रिकनसाइल टू दस्टांटिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म हियरिंग एंड इन अदर वॉकपेपर सो इसको आप कहां से करोगे आप इसको टेस्ट करोगे ठीक है या तो इस पेपर में टेस्ट करोगे या किसी और वर्क पेपर में टेस्ट करना है तो किसी और वर्क पेपर में टेस्ट करोगे एंड कोई भी डिफरेंस है तो उसे इन्वेस्टिगेट करोगे ऑल right? तो ये आपका हो गया रोल फॉरवर्ड अब क्या करना है आपको इस पे सैंपलिंग परफॉर्म करना है तो हम अभी एडिशंस को कवर करके चलते हैं तो यहां पे आपका एडिशंस का लिस्टिंग है यहां पे एडिशंस का लिस्टिंग है अब इस एडिशंस का लिस्टिंग को क्या करोगे इस पर आप सैम्पलिंग करोगे तो नॉर्मल क्या होता है कि आपका एक सैम्पलिंग का टूल होता है कंपनीज़ के पास हर एक ऑडिट फोन के पास एक सैम्पलिंग का टूल होता है उसमें आप एडिशन लिस्टिंग को डालोगे मटीरियालिटी फीड इन करोगे एंड आप रिस्क लेवल डालोगे हाई मीडियम लो क्या रिस्क है इस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में एंड आपका वो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आ जाएगा एंड कौन से सैंपल टेस्ट करना है वो आ जाएगा ठीक है नहीं तो कई बार हम प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाते हैं एंड रैंडमली भी सेलेक्ट करते हैं तो मान लो इन द गिवन केस हमारा जो सैंपल आया हमारा सैंपल ये बनकर आया ठीक है ये हमारा सैंपल बनकर आया एंड वी वांट टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर सैंपल राइट तो अब हम एडिशंस टेस्टिंग में क्या करेंगे एडिशंस टेस्टिंग में इससे रिलेटेड पहले तो हम क्लाइंट को ये बोलेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट दे दो एंड जरूरी नहीं कि सैंपल एक ही हो हम ये एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि अभी हमें सिर्फ एक सैंपल आया ये हो सकता है चार आए पाँच आए दस आए सौ आए डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन पॉपुलेशन का वैल्यू क्या, क्या है कितने आइटम से पॉपुलेशन में इच आइटम का क्या वैल्यू है मटीरियालिटी क्या है रिस्क क्या है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा बट फॉर ईजीनेस मैंने बोला कि चलो एक ही हमारा सैम्पल आया अब इसको हमें टेस्ट करना है तो इसको टेस्ट करने के लिए नॉर्मली आप क्या सपोर्ट्स मांगोगे अब इसके लिए आप क्लाइंट को एक ईमेल लिखते हो मिस्टर एक्स वोजेड प्लीज फाइंड अटैच दैंपल फॉर पीपी टेस्टिंग एंड रिक्वेस्ट यू टू से पहले आप नॉर्मली क्या मांगोगे एक इन्वॉइस मांग लोगे ठीक है दूसरा आप क्या मांग लो परचेज ऑर्डर चाहे कोई अग्रीमेंट है तो वो दे दो ठीक है इसका आप नेचर पूछ लोगे कि नेचर ऑफ असेट क्या है एंड क्या यूज है कंपनी का नेचर एंड यूज समझ लो गैपिटलाइजेशन मतलब कि ये एसेट सच में कैपिटलाइज हुआ, हुआ है पुट टू यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है उसके रिकॉर्डिंग आप एविडेंस मांग लोगे राइट right? सो so ये नॉर्मली दीज आर द नॉर्मल सपोर्ट्स विच यू आस्क फॉर एंड अगर आप इसका एग्जिस्टेंस भी चेक करना चाहते हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट या फिर पिक्चर ऑफ एसेट भी मांग सकते हो तो दीज आर द थिंग्स नॉमली दीज आर दपोर्ट विच यू नॉर्मली आस्क फॉर विद द क्लाइंट ओवर द ई मेल एंड उसका फिर वो सपोर्ट शेयर कर देगा वंस यू हैव दैट ऑल दपोर्ट आप क्या करोगे आप एडिशन टेस्टिंग करोगे मैं एक बार इस स्टैप को यहाँ मूव कर लेता हूँ फॉर जस्ट फॉर इजीनेस अब ये आपको आइटम्स टेस्ट करना है तो आपको अब आप यहाँ पे देखो ये ये फॉर्मेट है पॉपुलेशन डिटेल डालोगे तो पॉपुलेशन डिटेल क्या होगा बेसिकली जो आपका एक्चुअल जिस पे आपने सैम्पलिंग रन करा है उसका डिटेल डालो तो यहाँ पे आपका डेट डेट बेसिकली यहाँ पे कैपिटलाइजेशन डेट पूछ रहा है नॉट कैपिटलाइजेशन डेट सो ये डेट को वी कैन एक्चुअली डिलीट ओनली ये डिलीट डेट की जरूरत नहीं है कैपिटलाइजेशन डेट ऑलरेडी आ रहा है सो असेट आई सो असेट आई में आप डाल दोगे असेट आई डी इसका एक हज़ार नौ राइट तो वन थाउजेंड नौ हम यहाँ पे डाल देते हैं वन जीरो जीरो नाइन नौ असेट अकाउंट अकाउंट में बेसिकली हम क्लास डाल देते हैं राइट क्लास डाल देंगे तो ये कौन से क्लास का सेट है ऑफिस इक्विपमेंट राइट ऑफिस इक्विपमेंट है तो हम यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट डाल देंगे उसके बाद असट डिस्क्रिप्शन असट डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है इस असेट का सो इफ यू गेट गो हेयर यू सी दिस इज अ लैपटॉप तो आप एडिशन टेस्टिंग में जाओ यहाँ पे क्या डालोगे लैपटॉप प्लेसड इन सर्विस डेट अब इसमें देखो कैपिटलाइजेशन डेट क्या आ रहा है नाइन्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो यहाँ पे आप डालो नाइन्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी वन ठीक है एंड इस पर फिर यूजफुल लाइफ देखो कितना आ रहा है चार साल का तो यूजफुल लाइफ फोर ईयर्स का यहाँ पर डाल दो एंड देन सेलेक्शन अमाउंट सेलेक्शन अमाउंट हमारा कितना था दो मिलियन का था राइट टू मिलियन अब इसके रिगार्डिंग आपको इन मिला होगा अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैचुअल इन वॉयस टू शो बट हम मांग लेते प्रिज्यूम कर लेते कि हमारे पास एक इन है अब इस इन से आपको ये डिटेल्स को एक्चुअली में ट्रेस करना है कि क्या ये डिटेल्स करेक्ट है या नहीं करेक्ट है तो मान लो आपको एक इन नंबर मिला जिसका इन नंबर है मान लो पी एफ एक्स ऐसे करके कुछ इन नंबर इन का डेट मान लो आ रहा है थर्टी फर्स्ट मई ट्वेंटी वन हम थर्टी फर्स्ट मई ट्वेंटी वन वेंडर आ रहा है मान लो एच पी इन्फोटेक सी uh, हमने देखा था कि हम थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री का टेस्टिंग कर रहे हैं तो यू वुड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्ट कि ये कैपिटलाइजेशन डेट ट्वेंटी वन का आ रहा होगा बिकॉज हम थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री का टेस्टिंग कर रहे हैं सो फॉर दिस एग्जाम्पल हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं एफ आर में अपना और यहाँ पर जो डेट है इसे हम डाल लेते हैं इसे हम डाल लेते हैं uh, ट्वेंटी टू यहाँ पर डाल लेते हैं ठीक है ट्वेंटी टू डाल लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारा थोड़ा सा माइनर चेंज कर दे ताकि थोड़ा हमारा टेस्टिंग थोड़ा और सेंसिबल दिखे बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल तो थोड़ा बहुत हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट टू हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एंड इन का डेट क्या मान लेते हैं फिफ्थ थर्ड फर्स्ट में ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन्फोटेक का इन वॉयस ए वैप ऐसा आ रहा है मान लो लैपटॉप लैटीट्यूड फाइव फोर टू जीरो एच ऐसे करके आपका यह इन डिस्क्रिप्शन आ रहा है एंड इन वॉयस अमाउंट आपका आ रहा है फॉर एग्जाम्पल सेम अमाउंट आ रहा है इतना ही का अमाउंट का आपका इन्वॉइस भी आ रहा है एंड यू नोटेड नोट नो एक्सेप्शन आपका हो सकता है कि एक्सेप्शन मिले भी अगर मिलेगा तो आपको कंपनी से डिस्कस करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है एंड देन उसका और भी फर्दर प्रोसीजर्स है जब जब आपको एक्सेप्शन मिलता है तो क्या करना पड़ता है इस वीडियो को में हम वो चीज़ नहीं डिस्कस करते अभी मान लेते हैं कि आपका इन वॉयस का वैल्यू से ये वैल्यू मैच हो गया है ना अब आपको एक चीज ये देखना है कि यहां पे जो डेट दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन डेट सर्विस डेट जो दिया हुआ है विच इज 9th जुलाई 2022 क्या ये एक्चुअली में एक्यूरेट है या नहीं कैसे वेरीफाई करोगे ये कैसे वेरीफाई करोगे कर और ये वेरीफाई करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसी दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या ले लेते हैं या तो आपका कोई ईशू डॉक्यूमेंट है कि कोई भी आप एक असेट देते हो तो उस टाइम पे कोई एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जो भी ईशर है असेट का अगर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है तो वो डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई कर लोगे नहीं तो कोई ई एक्सचेंज वगैरह हुआ हुआ है तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो चाहे कोई डिलीवरी डॉक्यूमेंट है तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो तो हम मान लेते कि हमने क्या चेक करा है कि इसी दिन असेट डिलीवर हुआ था तो डिलीवरी डॉक्यूमेंट हमने देख लिया एंड असेट आईडी उस डिलीवरी डॉक्यूमेंट में मान लो यही आई आईडी आ रहा था तो हम यही मेंशन कर दिए एंड जो असेट डिस्क्रिप्शन था मान लो उसमें लिखा हुआ था लैपटॉप एच एंड वो जो डेट था वो जो डेट था दैट वॉज अगेन नाइन्थ जुलाई ट्वेंटी टू हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें हमें कोई भी डिफरेंस या कोई भी हमें एक्सेप्शन नहीं मिला है एक्सेप्शन मिल सकता है एक्सेप्शन मिल सकता है यहाँ पे हो सकता था कि आपको सेवेंथ जुलाई होता तो सेवंथ जुलाई में क्या होता आपका दो दिन का डिफरेंस होता है दो दिन का आपका डिप्रिशिएशन का इम्पैक्ट पड़ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे राइट एंड अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कोई भी डिफरेंस आइडियली नहीं मिलना चाहिए ये दोनों डेट में ठीक है आपने ये देख लिया अब आप हर एक असर असर पर कमेंट करोगे क्या ये असेट एग्जिस्ट करता है तो आप इसके लिए क्या कोई पिक्चर्स वगैरह देखोगे या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखे होगे तो एग्जिस्ट करता है तो यस yes, आप डाल दोगे क्या ये असेट के ऊपर कंपनी का राइट है तो आपने इन वगैरह देखा है तो ऑफकोर्स कंपनी के नाम पर इन वॉयस है तो ऑफकोर्स कंपनी के कंपनी का इस असेट के ऊपर राइट है तो आप यस लिख दोगे यूजफुल लाइफ रीजनेबल है क्या नहीं है तो अब इसके लिए आप क्या करोगे क्या ये कंपनी के पॉलिसी से अलाइन होता है या नहीं होता है तो आप जाकर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे मैंने दिखाया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से अगर अलाइन होता है तो ये भी रीजनेबल यस रिकॉर्डेड अमाउंट अप्रोप्रिएट यस क्योंकि हमने देख लिया करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमने ये भी देख लिया कि इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री वाले पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था राइट एंड प्रॉपर अकाउंट नाउ ये एक लैपटॉप है और इसका क्लास क्या है ऑफिस इक्विपमेंट तो ये क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है द आंसर इज यस तो ये प्रॉपर अकाउंट में भी रिकॉर्डेड है मान लो ये रिकॉर्डेड होता अभी यहाँ पे मान लेते हैं ये रिकॉर्डेड होता बिल्डिंग में तो हम यहाँ पे क्या करते थे नो कर देते एंड फिर इसे फर्दर इट करना पड़ता हमें राइट सो मेजर मेजर आपका टेस्टिंग ऐसे ही आप सैम्पल्स पूरा टेस्ट करते हो जो भी एक्सेप्शन आता है उसको फर्दर आपको डिस्कस करना पड़ता है अगर एक्सेप्शन होता है तो आपको इवन एडिशनल सैम्पल्स भी चेक करना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि बाकी के पॉपुलेशन में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है सो so, वो एक लंबा सा डिस्कशन है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट चाहे कोई एक्सेप्शन मिलता है तो आप क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे बट अभी के लिए मान लेते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला है एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है क्या वर्क परफॉर्म अब आपको ये बेटर समझ में आएगा कि क्या हमने वर्क परफॉर्म करा है तो वर्क परफॉर्म डिस वी हैव परफॉर्म ऑडिट सैम्पलिंग आपने से पहले पहले सैम्पलिंग कराए फिर ऑप्टेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या जैसे इन वॉयस कॉन्ट्रैक्ट पी ओ एक्सेट्रा ऑपटेंट एविडेंस थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ इन वॉयस एंड इंक्वायरी आप इंक्वायरी भी वगैरह भी करते हो मैनेजमेंट के साथ कि कैसे कैपिटलाइजेशन हुआ किस डेट पे कैपिटलाइजेशन हुआ क्या आपका इशुएंस कैसे होता है कोई पर्टिकुलर एसेट तो वो सब आप इंक्वायरी से ऑप्टेन करोगे एंड देन आफ्टर यूजफुल लाइफ वगैरह वेरीफाई करोगे तो दीज आर वर्क परफॉर्म विच यू नॉर्मली डॉक्यूमेंट ठीक है आपका टेम्पलेट थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस हो सकता है बट मैंने मेजोरिटी ऑफ थिंग्स ये टेम्पलेट में आपको कवर कर लिया आई विल ट्राई टू ड्रॉप दिस टेम्पलेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो so दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना पड़े चाहे बेसिक एक वॉक थ्रू लेना पड़े तो आपका कवर अप हो जाएगा सो so ये मोटा मोटा आपका पी पी एन का टेस्टिंग है आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 फील प्लीज, फ्री टू तो रीच मी आउट यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक राइट मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच